तो यूपी विधानसभाओं में लगातार प्रचार का दौर देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जो यूपी की राजनीति में हावी होते नजर आ रहे हैं। बात अगर हम बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है और दूसरी तरफ अपने विरोधियों को निशाने पर ले रही है। समाजवादी पार्टी पर खास तौर पर निशाना साधते नजर आए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं पंजाब में इनेलो प्रचार करने वाली है, ये बात अभय चौटाला ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में कही। लेकिन अब जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने अपने ही चाचा पर तंज कसा है। अरे हरियाणा के साथ लगते पंजाब के 20 विधानसभा क्षेत्र है और जिसमें हरियाणा का बड़ा दखल है। आपसी रिश्तेदारियां हैं, भाईचारा भी है, तो हम लोग सब हम उनकी उन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग हमारे पार्टी के साथियों की ड्यूटियां लगा करके हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। हमारे अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने ड्यूटियां सौंप दी सबसे पहले और विधिवत रूप से अलग अलग डेट्स के अंदर कार्यकर्ता चुनाव तक अपनी ड्यूटी वहाँ पे निभाएगा। कि जैसे ये पंजाब का लंबी हल्का है बादल साहब का, जहाँ से बादल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके 76 विलेज हैं। हमने हर गांव में हमारे एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी, उसके 5 लोगों की टीम बना दी, वो उसी गांव में रह करके उनके लिए काम करेगा। ये पहली बार नहीं, ये हर चुनाव में हम इस तरह से ड्यूटियां लगाते हैं। वहाँ हमने एक इंचार्ज लगा दिया, हमारा जो ऑफिस सेक्रेटरी है उनकी वहाँ ड्यूटी लगा दी कि आपकी ही जिम्मेवारी रहेगी इन सब कार्यकर्ताओं से, इन सब पदाधिकारियों के से पार्टी से काम ले। सपोर्ट में वो गए हैं, इसका मतलब हरियाणा के हित के विरोध में गए हैं। इसका मतलब जो अपने आप को जलनायक कहते थे, आज उनका स्टैंड स्पष्ट है कि वो उन लोगों के सपोर्ट में हैं जो हमारे इस बात के बहुत बड़े विरोध में हैं कि हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए। वो इस बात को चाहते हैं। इसका मतलब आज इनेलो के लोग भी ये चाहते हैं कि हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए।